रिव्यू का श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें हर बार हम एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। ऐसे ही आज एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, वो है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरबी सिंह। तो सीधे बात करते हैं आरबी सिंह जी से कि उनकी जर्नी कैसे रही। सर, आपका हमारे शख्सियत प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हम लोग हर बार अपनी शख्सियत में एक ना जो भी शख्सियत आती है तो हम उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में हम उनसे बात करते हैं। तो आज हम आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम आपके पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके का फैमिली बैकग्राउंड था। मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में एक गाँव है नगवा, और मैं वहीं से आता हूँ। और जो फैमिली बैकग्राउंड है, मम्मी और पापा हमारे दोनों जो है ग्रामीण परिवेश के हैं, और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और परिवार में चूंकि शिक्षा का बड़ा महत्व था, तो पढ़ाने लिखाने में हम सभी लोगों को, जितने भी परिवार में बच्चे हैं, सबको बड़ा पढ़ाया लिखाया गया है। तो हम वहीं से मऊ से आते हैं, मऊ जनपद से। जी, अच्छा, आपके जैसे आपने बताया शिक्षा का बड़ा अच्छा माहौल आपके घर में रहा, तो आपकी जो स्कूलिंग जो थी वो स्कूलिंग है, और आपका जो स्नातक है वो कहाँ से हुआ और किस तरीके से? हमारा जो पहले प्राथमिक जो शिक्षा है हमारी, वो तो वहीं निकट प्राथमिक विद्यालय से हुई। उसके बाद मैंने जो है नज़दीकी एक रतनपुरा स्कूल है, नेहरू इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, 12वीं की। और फिर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद से मैंने ग्रेजुएशन किया, और फिर वहीं से मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जी सर, जब जैसे अभी शिक्षा की बात हो रही है, तो उसमें हम जाएंगे किस तरीके से आपका जो शिक्षा का जो जीवन था, जो शिक्षा वाला जो टाइम था, वो किस तरीके का था? आप किस तरीके के स्टूडेंट थे, कैसे स्टूडेंट थे, और काफ़ी स्टूडियस थे या एवरेज थे, उसके बारे में थोड़ा हम बताएं। देखिए, ये तो कोई कह नहीं सकता कि हम कैसे थे, ये तो रिजल्ट्स बताते हैं कि बच्चा जो है पढ़ने में कैसा रहा है। कई बार रिजल्ट्स भी नहीं बता पाते हैं। तो ग्रेजुएशन तक तो जो है वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग रहे। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 60% से ऊपर के मार्क्स के साथ पास किया है, तो मुझे भरोसा है अपने प्रोफेसर्स पे। और ठीक था, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग थे। जी, और कोई बहुत इस तरह का नहीं था कि, चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परिवेश ऐसा है कि आप बहुत इधर उधर नहीं घूम फिर सकते, और बड़ा अच्छा कैंपस है चूंकि हम लोगों का, और आपको अटेंडेंस जो है देखनी पड़ेगी कि आपको आना ही पड़ेगा, 60% से ऊपर नहीं तो आप बैठ नहीं सकते एग्जाम में। लेक्चर भी अच्छा चलता है वहाँ पे, तो पढ़ाई ठीक रही हम लोगों की, ओवरऑल एवरेज थी। जी, तो अभी हम सर शिक्षा की बात कर रहे थे, आपने शिक्षा की बताया कि आप 60% तक, मतलब ये है कि कंपल्सरी होता था, तो ये तो एक अच्छी बात है। बाकी ये है कि हम किस तरीके के स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, आप क्या कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहे हैं, और क्योंकि बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी बहुत मायने रखती है, तो उस टाइम पे आप किन एक्टिविटीज में ज्यादा रुचि लेते थे? मैं क्रिकेट खेलता था अपने यहाँ जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस से, मैं क्रिकेट खेलता था। और ज़्यादातर मैंने एक ही ये रहा कि हम लोग क्रिकेट में ही सक्रिय रहे, बाकी तो कोई इस तरह का नहीं था। हाँ, थोड़ा चूंकि छात्र संघ उस समय बहाल नहीं था, छात्र संघ के चुनाव उस समय नहीं होते थे जिस टेन्योर में मैं रहा वहाँ पे, तो हम लोग लगातार इसके लिए भी बात कर रहे थे कि छात्र संघ की बहाली सारे कैंपस में हो जाए, जितने भी कैंपस हैं इंडिया में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है छात्र संघ की बहाली। आज भी आपको जानकारी होगी कि छात्र संघ की बहाली के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। अब तो छात्र संघ को बहाल करने के लिए सरकार भी बातचीत कर रही है। जी, अच्छा सर, हाँ, कि आपने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की, तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के, तो उसमें ये है कि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया, मतलब उस क्षेत्र में आप आगे कंटिन्यू क्यों नहीं? 2010 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास आउट होके
दिल्ली गया, वहाँ मुखर्जी नगर में रहा और सिविल सर्विसेज की तैयारी की। और उसी समय 2011 में एक बहुत बड़ी घटना हुई सिविल सर्विसेज के इतिहास में, और वो था कि सीसेट लागू कर दिया गया, एप्टीट्यूड टेस्ट लागू कर दिया गया। और फिर जो हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी थे या जो एप्लीकेंट थे, उनके लिए बड़ी समस्या हो गई सीसेट। और चूंकि 2011 में मैं अपीयर हुआ और 4 महीने का ही समय मिल पाया हम लोगों को, फिर भी मैंने मेंस वगैरह लिखा उसमें। तो हुआ क्या कि सिविल सर्विसेज के दौरान, जब तैयारी के दौरान यह समझ में आया कि प्रशासक और शासक ये दोनों में बड़ा अंतर है। तो कहीं ना कहीं, चूंकि मैं जिस फैमिली से आता हूँ, हम लोगों के यहाँ फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है कि राजनीतिक रहा है, तो छोटे स्तर पे ही सही हमारे परिवार से प्रधान रहे और राष्ट्रपति पुरस्कृत रहीं माता जी। तो एक दिमाग में था पहले से कि नहीं, ठीक है, सिविल सर्विसेज तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचे और देखा कि शासन सत्ता को जो लोग चला रहे हैं, उनमें भी पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, तो एक टाइम के बाद मोह भंग हो गया और हम लोग आ गए राजनीति के क्षेत्र में। बाकी सर आपने कई सारे आंदोलन भी किए हैं, बहुत सारे आंदोलन किए हैं, वो कौन कौन से आंदोलन रहे और उनका क्या निष्कर्ष रहा है? असल में आंदोलन जो है सिविल सर्विसेज को ही लेके पहला आंदोलन किया हम लोगों ने 2011 में, जब सीसेट को कंपलसरी कर दिया गया। और पूरा जो उत्तर भारत है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं, वो एकदम से शिथिल पड़ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका क्या तोड़, क्योंकि एकेडमिक्स में कहीं भी सिविल सर्विसेज के तर्ज पे जो सीसेट लागू किया गया, वो एकेडमिक्स में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है इस देश में। थोड़ा बहुत उसका जो पार्ट है, वो एमबीए के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हर कोई एमबीए करके तो आता नहीं है सिविल सर्विसेज देने के लिए। तो इसके विरोध में हम लोगों ने एक पहला आंदोलन, मेरा वही था, मैं पहले आंदोलन वही किया मैंने सीसेट के खिलाफ जो है। और अच्छा रहा, हम लोग सफल हो गए। सीसेट आज कंपलसरी नहीं रहा, अब वो केवल जो है पासिंग के लिए है कि आप उसको, उस एग्जाम को बस पास कर लीजिए, उसका नंबर भी अब नहीं जुड़ता है। अच्छा सर, बाकी ये है कि जैसे मैं आंदोलन की ही हम बात कर रहे हैं, तो आप 2014 से 2014, 2015, 2016 मतलब आप कंटिन्यूअसली किसी ना किसी तरीके से कई आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो इनका मोटिव क्या रहता है बेसिकली? बेसिकली देखिए क्या हुआ कि 2015 में छात्र संघ बहाली के लिए हम लोग संघर्ष करने लगे। तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए छात्र संघ बहाल भी हो गया। फिर छात्र संघ बहाली आंदोलन के बाद ये हुआ कि अब कुछ रोजी रोटी का इंतजाम किया जाए। तो मैं इलाहाबाद से लखनऊ आ गया और फिर यहाँ अपना कुछ काम धाम मैंने शुरू किया छोटा मोटा। उस दौरान एक घटना घटी, वो घटना ये थी कि मेरा जो गांव है, वहाँ से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी दूरी करीब 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है। सड़कें बहुत बदतर स्थिति में थी उस दौरान, और एम्बुलेंस की नई नई सेवा शुरू हुई थी, लेकिन एम्बुलेंस को आने में ही बहुत समय लग जाता था। तो कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बीमार था और उस मैं लखनऊ में था, मुझे फ़ोन किया गया कि देखिए ये बीमार हैं और यहाँ हम लोग ले जा रहे हैं, इनको एडमिट नहीं कर रहे हैं, कुछ व्यवस्था कराइए। अमूमन पूर्वांचल में जो लोग लखनऊ रहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इनकी कोई व्यवस्था होगी, ये कह देंगे, तो इनके कहने से हो सकता है काम हो जाए। बट वो एक्सपायर कर गई, वो लेडी थी और प्रेगनेंसी के दौरान वो एक्सपायर कर गई, क्योंकि मातृत्व मृत्यु दर आप देख ही रही हैं क्या स्थिति है। तो उससे बड़ा धक्का लगा हमको। फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया कि वास्तव में ग्रामीण परिवेश में चिकित्सा की क्या व्यवस्था है। और उसी दौरान मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ा जो काम करता है जो ग्रामीण परिवेश में फर्स्ट एड के लिए, कि फर्स्ट एड कैसे मिले। तो मैं उनके साथ जुड़ा और फिर मैंने देखा कि एक मामला था बहुत पुराना, जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली का आंदोलन चल रहा था। उसमें ये व्यवस्था थी कि गांव के स्तर पे एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो ट्रेंड हो, अगर रात में कोई बीमार पड़ जाए तो उसको वह
प्राथमिक चिकित्सा दे पाए, वह सेवा उसको मुहैया हो पाए, वो मिल पाए उसको वो सेवा। तो इसके लिए हमने आंदोलन शुरू किया और आज 4 साल में आप समझिए कि हम लोगों ने करीब 87,000 लोगों का एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर लिया है। और आज लगभग हर गांव में अपने लोग हैं जिनको हम लोग टाइम टाइम पे चिकित्सा के लिए ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम भी कराते हैं और वो लोग अपना सेवाएं दे रहे हैं। अब आपने एक मंच की भी बात की, तो जैसे उसका मंच का नाम है पूर्वांचल स्वाभिमान मंच। जी उस मंच के माध्यम से आप किन मुद्दों को उजागर करना चाहते हैं? देखिए, पूर्वांचल स्वाभिमान मंच एकदम अलग था सब चीज़ से। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मुझे जहाँ दिक्कत समझ में आती है, लोग सरकार को कोसते हैं, नहीं कोसने से नहीं होगा, आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि वास्तव में जवाबदेह कौन है इसके लिए। अगर किसी क्षेत्र के विकास के लिए जो सबसे प्रथम हम लोग चुनाव करते हैं वो है प्रधान, उसके बाद उसी क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य, उसी क्षेत्र के विकास के लिए ब्लॉक प्रमुख, उसी क्षेत्र के विकास के लिए विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, फिर भी विकास नहीं हो पा रहा है। तो जो संगठन है पूर्वांचल स्वाभिमान मंच, उसमें आज के डेट में करीब 22 जो जिले हैं, 26 जिले वैसे हैं, 22 जिलों में हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं पूर्वांचल स्वाभिमान मंच से। तो पूर्वांचल स्वाभिमान मंच केवल एक काम करता है कि अगर सड़क की आवश्यकता है तो वह सड़क कौन बनवाएगा, और वह सड़क अगर अभी तक नहीं बनी है तो क्यों नहीं बनी है, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। और इसीलिए इसका नाम पूर्वांचल स्वाभिमान मंच है, या कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, या पूर्ण रूप से बस जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए इस मंच को बनाया गया। और उस पर हम लोग बड़ा त्वरित कार्रवाई करते हैं, जैसे अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ समस्या ये है, तो हमारे लोग वहाँ पहुँचते हैं और उस पूरी कार्रवाई को जो है जिला प्रशासन, अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो प्रदेश स्तर पे हम लोग उसको रखते हैं और उसमें सुधार करवाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्वांचल स्वाभिमान मंच के हमारे जितने साथी हैं कि उन्होंने पिछले 3 साल में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था कायम की है। अच्छा, आपने जो अभी परेशानियों के बारे में बात की है, तो वो परेशानियों को लेके लोग आपके पास आते हैं या आप पूरा विजिट करके जगह जगह जाके उन जिलों में जाके उस परेशानी को देखते हैं, समझते हैं, किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, परेशानियां, चूंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं, तो बहुत सारी परेशानियों से तो खुद खुद मैं रूबरू हूं। एक छोटी सी बात है, मैं जिस प्राथमिक पाठशाला में पढ़ा हूं 20 साल हो गया, अगर उस पाठशाला में आज भी बच्चे, आप शायद जानती हो, टाट फट्टा बोलते हैं, टाट बिछती है और जमीन पे बच्चे बैठते हैं और पढ़ते हैं, तो वहां अभी तक जो है चेयर की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, या वहां बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, पंखा क्यों नहीं। सब बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, हम लोगों के प्रयास से, चूंकि जब माता जी हमारी वहां प्रधान थी तो उन्होंने एक व्यवस्था कराई कि 100% शौचालय की व्यवस्था पूरे गांव में। और सबसे पहला जो शौचालय बना, 8वीं तक की जो पढ़ाई होती है वो हमारे गांव में ही अब होती है, वहाँ बच्चियों के लिए कोई शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ये बहुत खराब व्यवस्था है। तो वो शौचालय वहाँ बनवाया गया, ठीक। तो ये बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं, सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी भी एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कुछ भूल हो रही है तो उसको आप सरकार तक पहुँचाइए। हम लोगों ने 2 तरीके अपनाए हैं, एक हम लोग कैंप करते हैं, ब्लॉक स्तर पे कैंप करते हैं, और अगर किसी गांव में कोई समस्या है तो आप हमको लिख के दीजिए, संबंधित अधिकारी या वहाँ के विधायक से बातचीत की जाती है, या एक पोर्टल बनाया है हम लोगों ने, आप उस पोर्टल पे अपनी शिकायत लिख के डाल सकते हैं और हम देखते हैं कि हम कहाँ तक उनकी मदद कर सकते हैं, जहाँ तक हो पाता है मदद करते हैं। ये दोनों व्यवस्थाएं हैं, और व्यक्तिगत विजिट भी मैं करता रहता हूँ पूर्वांचल के सभी जिलों में,
जी सर, इस मंच से तकरीबन 20 जिले जुड़ चुके हैं, जी 20 जिले जुड़ चुके हैं। उन 20 जिले जुड़ने के बाद में आपकी किन गतिविधियों पे ज्यादा अधिक रुझान रहता है? कौन सी गतिविधियां ऐसी हैं जो उन आप उस पर ध्यान देते हैं इस मंच के थ्रू? किस तरीके की एक्टिविटीज की जाती हैं? तीन मुख्य जो एजेंडा अभी पूर्वांचल स्वाभिमान मंच ने बनाया है, एक कि हम बिजली की व्यवस्था को लेके बातचीत कर रहे थे, दूसरा जो चिकित्सा है, जो प्राथमिक चिकित्सा है, ग्रामीण चिकित्सा सेवा है उसके लिए, और तीसरा हम एजुकेशन के लिए बात कर रहे थे। मैं जिस जनपद से आता हूँ, मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूँ, उस मऊ जनपद में बुनकर समुदाय बहुत ज़्यादा है, और बुनकरों के लिए लाइट अगर नहीं है तो बड़ी समस्या है, तो उस पर बात कर रहे हैं। इसी तरह जैसे देवरिया में जो शिक्षा की व्यवस्था है, बलिया है, वहाँ चिकित्सा की बड़ी स्थिति खराब थी, तो हम लोग उन जगहों पे, जैसे जिला मुख्यालय के जो अस्पताल हैं उन पे, या जो CSC PPSC हैं उन पे अपने लोगों को भेजते हैं, और वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है उसमें सहयोग करना। और अब एक नया विंग हम लोगों ने चालू किया है जिसमें हम लोग एक ट्रेनिंग देते हैं। गांव में हमारा एक कोई भी सदस्य जाता है और वो विड्रॉल पर्ची भरना सिखाता है। आप यकीन नहीं करेंगी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को बैंक की विड्रॉल पर्ची भरने नहीं आता है, तो वो एक व्यवस्था हम लोग करते हैं कि विड्रॉल पर्ची भरना। मतलब जो प्रौढ़ शिक्षा का एक अभियान था, शिक्षा में एक प्रौढ़ शिक्षा का अभियान था, उसके तहत भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें अभी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो सर ये आपके जितने भी अभियान चल रहे हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चल रहा है, और अभी आपने एक ये भी बताया कि 100% शौचालय को लेके अभियान चलाया गया, तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें भी आपके सामने आई होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि जैसा अभी तक बहुत जगह ऐसी हैं जो शिक्षा को लेके अभी भी कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी है, शौचालय को लेके भी एक मान्यता, एक उन लोग की अलग सी एक वो बनी हुई है कि नहीं शौचालय नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपको देखने को मिली होंगी, उन चीजों को आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, मुझे लगता है कि आपको कोई भी बदलाव लाना है ना, ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है, हो सकता है लोग मुझसे अलग सोचते हैं, तो आपको वो चीज़ अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। तो जैसे गर्ल्स एजुकेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं जिस जगह से आता हूँ, बहुत मैंने बहुत बाद में वहाँ खंभा गड़ा और बिजली गई और सड़क बनी, और एक बहुत बड़ा ताल है, हम लोगों के यहाँ ताल समझती है ना, अभी पानी पूरा जल भराव हो जाता है वहाँ, बहुत खाली जगह है और वो बहुत बड़ा ताल है, वो उसमें हर साल बाढ़ की स्थिति बहुत रहती है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आदमी अपने बेटे को पढ़ा ले, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बेटियों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता था, ठीक, लोग खाने की व्यवस्था करते थे, पढ़ाई बेटों को भी नहीं पढ़ाते थे। उस सिचुएशन में मेरे पिताजी ने, हम तीन भाई बहन हैं, मतलब दो बहनें हैं हमारी और एक मैं हूँ, मेरी जो छोटी बहन है, मैंने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताया आपको, मेरी छोटी, मुझसे जो छोटी बहन है उसको मेरे फादर ने MA कराया, BEd कराया, और मेरी जो सबसे छोटी बहन है वो पोस्ट ग्रेजुएट है और अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय से वो PhD कर रही है। तो इससे हुआ क्या कि जब हम लोग अपने गांव से, मैं अपनी बहन को लेके आया इलाहाबाद में रखने के लिए और पढ़ाने के लिए, तो लोगों ने कहा कि अरे यहाँ लोग बेटों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बेटियों को। लेकिन 2-3 साल के अंतराल में एक बड़ी अच्छी चीज उभर के आई कि हमारे गांव के कुछ लोगों ने हमको फोन किया कि भैया रूम कैसे मिलेगा वहाँ, एडमिशन कैसे होगा। तो आज हमारे गांव के और हमारे जानने वाले बहुत सारे लोगों की बेटियां जो है इलाहाबाद और लखनऊ शिफ्ट होके पढ़ाई कर रही हैं। तो हम लोगों ने पहले अपने से शुरू किया, जब हमने करके दिखाया तो लोग और आ गया है, और यही मैं करता हूँ। जो भी आपको करना है, जो आप संदेश देना चाहते हैं, वो आपको पहले खुद करना पड़ेगा। ये थिंकिंग जब आप लाएंगे तभी समाज आपको स्वीकृति देगा। बाकी में बहुत अच्छा है, एक इनिशिएटिव है कि इस तरीके से लोगों को जागरूक करना और इस तरीके से उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आना, एक वाकई में एक काबिले तारीफ की एक स्टेप है, और अच्छा है एक मंच के थ्रू अगर इस तरीके की चीजें की जा रही है तो वाकई में बहुत अच्छा जा रहे हैं। बाकी आप ये है आरपी सर की
आपने कुछ कोरोना के जो बड़ी गहन जो अभी कोरोना काल जो रहा है उस दौरान भी आपके मंच की तरफ से काफी चीजें काफी एक्टिविटीज की गई थी, तो किस तरीके की एक्टिविटीज, किस तरीके से आपने सहयोग दिया था उसमें? असल में कोविड जो है अनएक्सपेक्टेड था पूरी दुनिया के लिए, और चूंकि दवाई नहीं थी पूरी दुनिया लॉकडाउन थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि जो गरीब तबका है उसको सरकार कुछ ना कुछ मुहैया करा रही है, सुविधाएं दे रही है। जो अपर क्लास है उसके पास अपनी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जो एक लोअर मिडिल क्लास है इस देश में उसकी व्यवस्थाएं चरमरा सी गईं। जो मंथली इनकम पे ही अपने जो सैलरी इनकम पे चलता है उसकी व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गईं। दूसरी चीज, जो बाहर से लोग जैसे यहां से दिल्ली बंबई कलकत्ता कमाने जाते हैं उनके आने की जो व्यवस्था थी वो चल तो दिए वहां से, लेकिन सुविधाएं बड़ी कठिन स्थिति थी। वो हम लोगों ने दो काम बहुत महत्वपूर्ण किए जो हम लोगों को लगा कि ये होना चाहिए। पहला काम था कि एक जो अभियान चलाया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन अगेंस्ट कोरोना वायरस, एक अभियान। आपको जान के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी कोविड वॉरियर्स थे हम लोगों के सबके नाम सीएमओ स्तर पे भेजे हैं। जिलों में 25 जिलों में ये नाम गए हैं जहां हम लोगों ने काम किया, और बताया गया कि जब भी कोविड में जरूरत हो तो इनको तुरंत आप बुलाइए। हम पूरा चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण ने इसको अप्रूव करके भेजा। काम क्या किया हम लोगों ने कि राशन की उपलब्धता कराई। अच्छा, जब रास्ते में आदमी आ रहा है तो वो राशन लेके क्या करेगा, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हम बनवा सकते थे खाने के लिए, जैसे लखनऊ जिला अध्यक्ष थे, लखनऊ जिला अध्यक्ष ने पूरे 21 दिन किसी दिन तहरी किसी दिन खिचड़ी किसी दिन कुछ थोड़ा बहुत बना के 500-700 लोगों का बनाते थे, और संगठन ने भोजन की व्यवस्था कराई। दूसरी व्यवस्था क्या थी कि हम लोग ये देखते थे कि अगर मान लीजिए कोई आदमी आ रहा है और वो बेचारा थक गया, उसको कोई रुकने के लिए जगह नहीं दे रहा है क्योंकि कोविड के डर से, तो हम लोगों ने अपने अगल बगल जो गांव थे वहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है या जहाँ पे सेंटर अभी नहीं बने थे, भाई गवर्नमेंट ने भी उनको सेंटर के रूप में बना दिया कि आप यहाँ रुक सकते हैं या आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो कोविड सेंटर बना दिया उसको। तो जिनके पास भी उपलब्धता थी रुकने की कि आदमी रुक के 1 या 2 दिन आराम कर ले, तो वहाँ भोजन की व्यवस्था हमने कराई। और फर्स्ट फेज में हम लोगों ने एक रूट तय किया कि दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा बहुत सारे लोग जो है इधर नेपाल साइड में भी जाते हैं काम करने के लिए, और नेपाल के तराई इलाकों के जो जिले हैं वहाँ बहुत काम होता है, तो वो लोग वहाँ से जब रिटर्न आ रहे थे तो उनके लिए हर गांव में 2 गांव 3 गांव छोड़ के हम लोगों ने सेंटर बना रखे थे कि आप यहाँ रुक जाइए आराम करिए फिर आगे जाइए। ये व्यवस्थाएं जो है की गई थी, और चूंकि उस समय कोई रुकने नहीं दे रहा था, कोई खाने पीने को नहीं दे रहा था उस तरह से, तो ये संगठन ने किया उस दौरान। बहुत ही अच्छा काम था। मास्क और सैनिटाइजर बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों ने वितरित किए उस दौरान। पर आपको कुछ उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं, जैसे भारत गौरव सम्मान आपको मिला है, पूर्वांचल गौरव सम्मान मिला है, एंड कोरोना योद्धा सम्मान और भोजपुरी भूषण सम्मान, ये 4 उपलब्धियां भी आपने हासिल की हैं, तो ये उपलब्धियां किस उसमें आपको दी है? ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने दिया है और खैर मैं इस लायक नहीं था, लेकिन कई समितियां हैं, बड़ी संस्थाएं हैं जिन्होंने बुलाया और सम्मानित किया। सम्मान तो एक ही है कि आरबी सिंह ट्रेन में बैठें और इस प्रदेश के किसी आउटर पे भी उतर जाएं और एक आदमी मिलने आ जाए कि भैया आप आए हैं, तो मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा सम्मान है। मैं समझता हूँ कि बाकी सम्मान जिन्होंने दिया उनका धन्यवाद, लेकिन सम्मान तो असली यही है कि किसी एक आदमी का जीवन मेरे किए गए किसी अच्छे काम से प्रभावित हो और उसमें सुधार आए, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए।
अच्छा अभी सर बाकी ये है कि आगे आप किस तरीके की अपनी सेवाएं देंगे, किस तरीके से आगे आपका प्लानिंग है, क्या काम आप करने वाले हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल कोविड खत्म नहीं हुआ है और बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं इस बात को बता रही हैं कि आपको और सजग होने की आवश्यकता है और तैयारी की आवश्यकता है। अभी फिलहाल हमारा संगठन और हम सारे लोग लगे हुए हैं कि वैक्सीनेशन में हम जितना सहयोग सरकार को कर पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाएं, उनका वैक्सीनेशन करवाया जाए और उनकी सूची भी बनाते हैं। फिर हम लोग उसमें देखते हैं कि कौन रह गया। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली डोज लगवा ली है, दूसरी नहीं लगवा पा रहे हैं, फिर उनको रिकॉल कराया जाता है कि आप जाइए लगवाइए इस डोज को। मान लीजिए कहीं अगर शॉर्टेज हो रही है तो शासन में बात की जाती है कि सर यहाँ पे शॉर्टेज है, यहाँ वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन भेजी जाए। ये अभी तो फिलहाल ये हम लोग कर रहे हैं। जी अच्छा सर, बाकी ये है कि जैसे आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो उससे हम क्या आप किसी पार्टी के साथ समन्वय करेंगे या अपनी ही कोई एक अलग पार्टी तैयार करेंगे, क्योंकि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेके आपने कुछ विचार किया है क्या? एक बड़ी गलत धारणा है इस देश में कि आप अगर नेता हैं तो आपको किसी दल का नेता होना पड़ेगा। नेतृत्व करने की मुझे लगता है जिसके अंदर भी क्षमता हो ना, उसको समाज नेता मान लेता है और जरूरी नहीं है कि वह किसी दल के साथ हो। एक बहुत बड़ा आंदोलन जेपी ने खड़ा किया इस देश में और उस आंदोलन से बड़े बड़े नेता निकले और बड़े बड़े दल निकले, जबकि वह आंदोलन ही इस बात के लिए था कि दल विहीन राजनीति की एक स्थापना करनी थी। फिलहाल किसी दल में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है और ना अपना कोई दल बनाने का इरादा है। राजनीति जरूर होनी चाहिए, वोट नीति जो है उसकी वो एक अलग पैमाना है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। ये एक ग्लास है, इसकी कीमत मार्केट में अगर ओरिजिनल खरीदने जाएंगी तो 10 रुपया है, लेकिन अगर यह किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह बन जाए और उस पार्टी का वोट बैंक कंस्टिट्यूएंसी में अगर 10 हजार 20 हजार हो जाए तो ये पर्ची पे छपी हुई गिलास करोड़ों में बिकने लगती है ना। बहुत सारे पार्टी का जो पार्टी एक धंधा हो गई है इस देश में और चुनाव चिन्ह उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। जैसे एक एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, हम लोग बड़ा बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यार ये बताओ कि ओरिजिनल कोई सामान कितने का मिलता है और उसको अगर बना दिया जाए कि ये वोट इस पे दीजिए आप, ये चुनाव चिन्ह है, तो क्यों ना किसी व्यक्ति के चेहरे को जो है लगा दिया जाए। जब चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह बांटना शुरू किया तो इसलिए किया कि कोई आदमी नाम नहीं पढ़ सकता। मान लीजिए अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो नाम नहीं पढ़ सकता, वो चिन्ह पहचानता है। तो उस चिन्ह में किसी व्यक्ति को क्यों नहीं, मेरा नाम आरबी सिंह है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मान लीजिए ऐसा हो, और जब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं 5 बरस किसी पार्टी के साथ तैयारी करता हूं और वह पार्टी मुझे टिकट नहीं देती अपना, तो मेरी तो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई क्योंकि मुझे तो मिला नहीं। अब मैं अपना चुनाव चिन्ह ही नहीं बता पाऊंगा, लास्ट मोमेंट पे अगर मुझे नहीं मिला टिकट तो मैं अपना चुनाव चिन्ह, अगर मैं लड़ भी जाऊं बागी होके, तो मैं अपना चुनाव चिन्ह का प्रचार नहीं कर पाऊंगा। इसको अभी बड़े बड़े जो नेता हैं इस प्रदेश के, उन्होंने कहा कि जो जिला पंचायत का चुनाव है उसमें चुनाव चिन्ह को अप्रूवल दीजिए आप, जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है उसमें चुनाव चिन्ह को। मैं यह कहता हूं कि दल विहीन राजनीति अगर नहीं हो सकती तो कम से कम चुनाव चिन्ह समाप्त कर देना चाहिए इस देश से, क्योंकि व्यक्ति का चेहरा, अगर आपका चेहरा है, आपने काम किया, तो जनता उस चेहरे को पहचानती है और आपको वोट करेगी। तो इसी तरीके से आप किसी दल के शामिल ना होके आप अपनी ही वोट विहीन राजनीति दल विहीन। करेंगे, दल विहीन, सॉरी। जी हाँ, तो इसी तरीके से असल में मसला जो है, देखिए मैं यह कह के अपने आप को बहुत आदर्शवादी नहीं करूंगा,
शासन सत्ता में हर आदमी जाना चाहता है, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल व्यू है वो क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कोई आदमी अपने आप को नेशनलिस्ट कहता है और फिर वो सोशलिस्ट हो जाता है और फिर कोई सोशलिस्ट कहता है और वो नेशनलिस्ट हो जाता है, तो ये जो बदल जाते हैं, बदलने वाली राजनीति में कम से कम मैं नहीं जाना चाहता। सर आखिर में हम चाहेंगे आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। मैं एक मैसेज जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक क्या मैसेज तो बहुत हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोविड नियमों का पालन करिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जीवित रहेंगे तो आगे राजनीति करेंगे या आप कुछ भी करेंगे, कोविड नियमों का पालन करिए, सरकार जो कह रही है उसको सुनिए और हो सके तो अपने आसपास के लोगों की मदद करिए, क्योंकि दूर से कोई मदद करने नहीं आएगा, आपको अपने लोगों की मदद खुद करनी पड़ेगी। छोटे छोटे स्तरों पे आप लोग मदद करेंगे तो एक बड़ा राष्ट्र उसी से बनता है, आपसी भाईचारे से। आज के प्राइम टीवी के शो शख्सियत में हमने बात की कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरबी सिंह जी से, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया और बखूबी उन्होंने अपनी जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ में, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।